गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार है वो वर्षफल के ऊपर है। वर्षफल हमें ये बताता है कि अगला साल हमारा बढ़िया जाएगा या उससे अगला साल बढ़िया जाएगा, किस तरह से पता लगेगा। इसको इस बार मैंने मॉडिफाइड कर दिया है, इसको काफी एडवांस लेवल का कर दिया है। सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि आपको पढ़ने को मिलेगा क्या इस बार। अब आप ध्यान से स्क्रीन पर देखिए, दृष्टि प्रभाव, ग्रहों का शुभ अशुभ ये देखिए, और ये तिथि, नक्षत्र, मुंथा, मुंथेश, मुंता ग्रह, युति, वर्ष कुंडली, लगन ग्रह, बदली होगी, धन प्राप्ति योग, धनानि योग, माता का सुख, भाई को कर्ज, जमीन जायदाद, गड़ा हुआ धन, माता पिता, पुत्र प्राप्ति विचार, संतान संबंधी ये देखिए आप, कन्या, परीक्षा में सफलता या फेल हो जाएंगे, रोग हो जाएगा, विवाह योग, स्त्री कष्ट, पत्नी पति के संबंध, खोई वस्तु मिलेगी, विशेष कुछ है इसमें, अष्टम भाव, नवम भाव, नौकरी मिलेगी इस साल, तरक्की होगी मेरी इस साल। ये 30 पॉइंट्स करीब नियर अबाउट आई हैव टू कवर अप इन विद इन द 5 डेज, इजिली कवर अप हो जाते हैं। अब आते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट पर क्या ऐसा आएगा, चार्ट से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। अब आप देखिए, बड़े ध्यान से देखिए कि एक सेकंड, मैं इसको नीचे की तरफ कर देता हूं सो डेट आपको इजी हो जाएगा, सामने दिख जाएगा। अब आप देखिए, ये हमारे पास दो चार्ट हैं, ये हमारा नेटल चार्ट है बर्थ का और ये हमारा वर्षफल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इसके अंदर, वो ये होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बार बार बता रहा हूं वो है मुंथा। ये री मुंथा, मुंथा मुंथा कहाँ है, लगन में, बहुत शुभ योग है मुंथा लगन में आ जाना, तरक्की देती है जीवन में। बट अनफॉर्चुनेटली ये मेरे ही स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, ये मेरे से बड़े हैं आयु में, काफी रिस्पेक्ट करता हूं इनकी कि इस एज में भी इनमें लर्निंग अच्छी है, मेरे से आयु में बढ़ रहे हैं, मेरा नक्षत्र कोर्स कर रहे हैं, उन्हीं का मैंने चार्ट खोल दिया। तो ये मुंथा उनके राहु केतु एक्सेस पर आ गई है, ये देखिए राहु केतु एक्सेस पर, विच इज अ वेरी बैड, राहु केतु एक्सेस पर नहीं आनी चाहिए, उससे मुंथा जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमारा क्या होता है कि ये आठ छठा घर, आठवां घर, बारहवां घर, ये गलती से भी जो हमारा वर्ष फल है यहां लगन में नहीं आने चाहिए, महाशुभ है। सिक्स हाउस, एट हाउस, नाइन्थ और ट्वेल्थ हाउस, ठीक है, यहां पर बड़ा शुभ योग बना है। वो क्या शुभ योग बना है कि पांचवें घर की राशि लगन में आई है, दिस इज अ वेरी गुड योग। बात क्लियर है? अब आगे चलते हैं, छोटा छोटे पॉइंट से मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, आप सीखने का प्रयास करिएगा धीरे धीरे। अब क्या है कि इस कुंडली में योग कारक शुक्र लगन में बैठा है, यहां भाग्य स्थान में आया है, सिर्फ इस वर्ष वीनस की ही सपोर्ट से इनको पैसा आना है, बाकी ये मुंथा लगन में आई है, वेरी गुड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली राहु केतु के एक्सेस पर आ गई। अब मैं कुछ खास, सबसे पहले इसमें क्या है कि हमें दृष्टियां समझनी है, एस्पेक्ट समझना है इसके अंदर। यहां पर एस्पेक्ट का रूल थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है, 3, 5, 9 और 11 ये कहलाती हैं, 3, 5, 9, 11 ये कहलाएंगी आपकी मित्र दृष्टियां। मित्र दृष्टि सिंपल सा है, यानी शुक्र जो है लगन को मित्र दृष्टि से देख रहा है और बुध भी लगन को मित्र दृष्टि से देख रहा है। ये 3 और 11 जो दृष्टि हैं इसको बोलते हैं गुप्त मित्र दृष्टि, ठीक है जी। अब आ जाते हैं 1, 4, 7, 10, यानी केंद्र भाव के स्वामी ये रखते हैं शत्रु दृष्टि। शत्रु दृष्टि क्लियर है? अब आप देखिए 1, 7 की दृष्टि स्पष्ट वाली शत्रु दृष्टि होती है, स्पष्ट है ये,
और चार और दस वाली गुप्त दृष्टि होती है। चार और दस वाली जो है वो गुप्त शत्रु दृष्टि होती है। अब आप देखिए, मंगल शत्रु दृष्टि से देख रहा है, कहां देख रहा है? लगन को। और एक और अच्छी बात सीखिए, ये लगन है हमारा मिथुन लगन है। मिथुन लगन में मंगल वैसे भी छठे घर का स्वामी होता है और वर्ष फल के अंदर ये यहां पर सप्तम भाव में आ गया, तो वाइफ की हेल्थ को भी खराब करेगा और जातक की भी हेल्थ खराब कर सकता है। हेल्थ इश्यू तो देने ही देने हैं इसमें इस साल। बात क्लियर है? आगे चलते हैं, मैं इसको मिटा दूं नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। मुंथा अगर गलती से भी लगन में आ जाए तो उस वर्ष जीवन में तरक्की होती है, बहुत अच्छे से तरक्की होती है। अगर मुंथा के साथ गलती से भी सूर्य अटैच हो जाए, मुंथा के साथ सूर्य आ जाए तो धन प्राप्ति का योग बन जाता है। मान लीजिए कोई आदमी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है तो देयर इज एन पॉसिबिलिटी टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब बिकॉज सूर्य इज सिटिंग इन द लग्न इटसेल्फ विद द मुंथा। मुंथा का काम है रिजल्ट देना ही देना है। बात क्लियर है? आगे चलते हैं और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए हमने कहा यहां बुध बैठ गया मुंथा में, मतलब सॉरी लगन में, आई एम टॉकिंग अबाउट लगन। मुंथा का मैं थोड़ा बता रहा हूं, वो क्लास के अंदर मैं अच्छे से कर दूंगा, छोटे छोटे पॉइंट सारे मैं बता दूं। बुध अगर लगन में आता है, अगर मान लो आप बीमार थे तो आपकी हेल्थ इश्यू में सुधार आ जाएगा। आपका व्यापार कमजोर था तो आपके व्यापार में सुधार आ जाएगा। आप एक स्टूडेंट है, आपका बेटा है या बिटिया रानी है तो उसकी एजुकेशन में सुधार आएगा, क्योंकि मरकरी इन चीजों का कारक है। जब ग्रह कारक होता है तो अपनी चीजों को प्राप्ति कराता है। वैसे नाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं कुछ टेक्निक ऐसे ही डाल लेता हूं, तो वहां पर भी मरकरी को नाड़ी में प्रॉपर्टी के लिए भी कहा जाता है, तो प्रॉपर्टी भी बन सकती है। ठीक है, अब इसी तरह हम सारे ग्रह कंसिडर करेंगे, बात समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से हम सारे ग्रह कवर करते हुए आगे चलेंगे। अब आगे चलते हैं, एक सेकंड रुकिए, मैं मिटा दूं, सूर्य मैं मिटाता रहता हूं ताकि अच्छे से चले। ठीक है, अच्छे से हमारा सुधार हो। इस लगन को देखिए, मैंने कहा कि एक तो मंगल देख रहा है अशुभ है, शनि भी देख रहा है अशुभ है। शनि की यहां से गुप्त शत्रु दृष्टि पड़ रही है लगन पर, वो मुंथा को भी देख रहा है, केतु को भी देख रहा है, चंद्रमा को भी देख रहा है गुप्त शत्रु दृष्टि से, तो मन को पीड़ा निश्चित मिलेगी, ये हो ही नहीं सकता ना प्राप्त हो। तो ऐसी कई चीजें हम लोग बारीकी से सीख सकते हैं वर्ष फल के अंदर से। और मैंने आपको बताया देयर आर नियर अबाउट आई थिंक सो 30 पॉइंट्स आर देयर विच आई हैव टू टॉट इन द क्लास इन अ वेरी डिटेल वाइज। ऐसा नहीं है भागम भागी चले, जब तक कोई हामी नहीं भरता मैं अगला स्टेप नहीं उठाता। आगे चलते हैं, अब मैं बताता हूं, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है बट सुनिए, ये आपका वर्ष फल है। अब मान लीजिए इस वर्ष फल के अंदर, इस वर्ष फल वाली कुंडली के अंदर क्या लग्नेश प्लस अष्टमेश एट्थ लॉर्ड प्लस मुंथा लॉर्ड, अब इस कुंडली में मुंथा लॉर्ड कौन है? वो वीनस है। ये देखिए मुंथा लॉर्ड कौन है? वीनस। बाय चांस ये सारे इकट्ठे बैठे हों, ठीक है, मुंथा का लॉर्ड है और लग्नेश भी यही बना, तुला लगन बना है ना, अगर ये इकट्ठे, आठवें घर का स्वामी भी बाय चांस शुक्र है, अगर ये मुंथा के साथ शुक्र बैठ जाता तो ये आयु पे खतरा आ गया, क्योंकि एट्थ लॉर्ड भी है। एट्थ लॉर्ड होने के कारण आयु अरिष्ट योग बन जाता है, बाय चांस इनके भाग्य स्थान पर है। अब भाग्य स्थान पर है चूंकि ये वीनस अष्टम भाव का स्वामी होके नाइन्थ हाउस में बैठा है, तो इसका अर्थ है सडन चेंज इन भाग्य, भाग्य सडन चेंज इन द भाग्य वो आएगा।
आगे चलते हैं। अब अच्छी सी चीज बताता हूं। अब मान लीजिए यही जो आपका लग्न बना, इसका स्वामी बना है शुक्र, ठीक है। अब ये शुक्र मान लीजिए यहां बैठा होता लग्न का स्वामी, तो क्या होता, सभी कार्य संपन्न हो जाते। और ये मान लीजिए मंगल यहां बैठ जाता, यानी एक्सचेंज ऑफ हाउस। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का लग्न चार्ट देखिए, चंद्रमा उनका कर्क लग्न है, सप्तम भाव में मकर राशि आती है, शनि है, दे हैव एक्सचेंज देयर हाउस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट राजयोग, शी गवर्न द इंडिया। तो ये भी जो है आदमी को रूल बहुत अच्छे हैं। अभी आप कंफ्यूज नहीं होना कि जी शत्रु दृष्टि है, पर यहां एक्सचेंज हो गया, जब एक्सचेंज हो गया तो वो चीज कट गई, बात क्लियर है, वो चीज कट गई। आगे चलते हैं और छोटी सी बताते हैं। मान लो आपका जो मुंथा है, ये इस मुंथा तो यहां बैठी है, इस राशि का स्वामी जो होता है उसको बोलते हैं मुंथेश, या आप कह लीजिए मुंथा का लॉर्ड, मुंथा लॉर्ड वो बना है वीनस, क्लियर है। अब मान लीजिए ये सेकंड हाउस में चला जाए, यहां बैठ जाता शुक्र गलती से, तो धन का आगमन आ जाता, धन का आगमन आ जाता अच्छे से, व्यापार में उन्नति हो जाती आपके, स्वास्थ्य में भी लाभ आ जाता, आर्थिक लाभ भी आ जाता, कार्य सिद्धि हो जाती। देखो एस्ट्रोलॉजी मेरा आ रहा है, अगले मंडे से मैं फाउंडेशन कोर्स चलाऊंगा, वो मैं समझाता हूं। देखो काल पुरुषा कुंडली, ये हमारा लग्न चार्ट है, कोई भी उससे दूसरा भाव धन का होता है, इसी तरह हर भाव से दूसरा भाव उसका धन का, उसका सुख का, परिवार का, ठीक है। सुष्मिता जी हैंड डाउन कर लीजिए, मैं लास्ट में क्वेरीज पूछूंगा, आपको जो पूछना हो पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगा, कोई चिंता नहीं करें, आप आंसर लेकर जाइएगा। आगे चलते हैं, आगे इस चीज को अच्छे से और बताते हैं। मुंथा का, अगर ये मुंथा जो है हमारी छठे घर में, आठवें घर में, बारहवें घर में महाअशुभ फल दिया करती है, मुंथा अगर वो बैठ जाए, हाउसेस का तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब मान लीजिए सेकंड हाउस में पापी ग्रह बैठे हों, पापी ग्रह कौन से होते हैं, पापी ग्रह होते हैं राहु, केतु, मंगल और शनि, ये हमारे पापी ग्रह होते हैं, क्लियर है। अब मान लीजिए मंगल यहां बैठ गया, शनि यहां बैठा हुआ है, अजम्पशन बेस पे चल रहे हैं, आपसे किसी ने पूछा कि मेरी बदली हो जाएगी, तो आप कह दीजिए हाँ हो जाएगी, क्योंकि सेकंड हाउस में पापी ग्रह, सेकंड हाउस होता है हमारा परिवार, और पापी ग्रह बैठने से परिवार से दूर ले जाएगा, पापी ग्रह का तो काम ही है ये, दूर ले जाना, उस भाव का सुख ना देना, साधारण भाषा में ऐसे पढ़ सकते हैं, उस भाव का सुख ना प्राप्त होना, ऐसे आप कह सकते हैं। तो ये आदमी की जो है इस साल बदली हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपका जुपिटर जो है गलती से यहां बैठा हो, आइदर इन द थर्ड हाउस और इन द नाइन्थ हाउस, बाय दिस ईयर यू विल ट्रेवल, अ रिलीजियस ट्रेवलिंग आपको दे देगा, वैसे भी प्रश्न कुंडली हो, वर्षफल हो, लगन कुंडली हो, त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठने से कुंडली में बहुत ज्यादा बल प्राप्त हो जाता, ठीक है। आगे चलते हैं और छोटे छोटे पॉइंट्स बताते हैं, ताकि आप देखिए अपना वर्षफल खोल करके देख सकते हैं, जैसे मैंने जुपिटर का बता रहा हूं, धन का बता रहा हूं। अब मान लीजिए यहां मुंथा बैठी है हमारी, मुंथा बैठी है, अब मान लीजिए इससे फिफ्थ हाउस में सूर्य बैठा है, तो पूरे साल आपकी अर्निंग अच्छी होगी,
हर एक की कुंडली में कॉम्बिनेशन ही आएंगे ना, किसी किसी की कुंडली में अलग टाइप के कॉम्बिनेशन आएंगे, किसी के अलग कॉम्बिनेशन आएंगे, तो पूरे वर्ष उसको धन प्राप्ति आती रहेगी। आगे चलते हैं और थोड़ा सा बताते हैं एग्जाम्पल। अब मान लीजिए कोई भी पापी ग्रह कहाँ पे बैठाया जाए, मान लेते हम यहां पर कोई पापी ग्रह बैठा है, शनि बैठा है, क्योंकि एग्जाम्पल मैं ब्लैंक चार्ट से इसीलिए उठाता हूं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगले भाव में मंगल बैठा है, नीच का होके बैठा है, तो पक्का मान करके चलिए कि इस साल आपको धन हानि होनी है। डोंट टेक एनी रिस्क, जो शेयर का काम करता है ना करे। वैसे क्लास में बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर होगा, आई विल एक्सप्लेन वेरी डीपली, एक एग्जाम्पल छोटा सा दे रहा हूं, जानबूझ के यहां रखा है। अपन लगन से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आदमी कहता है जी मैंने कंपिटेटिव एग्जाम दिया है, वेदर आई विल गेट पास आउट और नॉट आई हैव टू चेक इट आउट। सिंपल सा एक तरीका मैं बता रहा हूं, इसमें मैं डिक्टम भी पढ़ाऊंगा। जैसे शुक्र थर्ड हाउस में आ जाए, देर इज अ पॉसिबिलिटी टू पास आउट द एग्जाम, देर इज अ वन एस्पेक्ट। अब कोई के कई लोग, मैं यूट्यूब पे भी डालता हूं, कई लोग कमेंट करते हैं, देर आर थाउजेंड वे, हम लोग एक टेक्निक शेयर करते हैं, उस टेक्निक के पीछे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो वो चीजें वर्क करती हैं। अब आ जाइए, पहला मैंने ये बताया थर्ड हाउस में शुक्र पास आउट हो जाएगा। मान लीजिए किसी के नाइन्थ हाउस में जुपिटर आया हुआ है, द पर्सन विल पास आउट द एग्जाम। किसी ने कंपिटेटिव एग्जाम दिया है, क्लैट का एग्जाम दिया है, एडमिशन के लिए एग्जाम दिया है, तो उस साल आराम से वो पास आउट हो जाएगा। अब आते हैं कि जी मेरी शादी हो जाएगी इस साल, तो हम क्या देखेंगे, लग्नेश कौन बना, शुक्र बना, सप्तमेश कौन है, डेट इज अ मंगल, मार्स, क्लियर है, दे आर कंजक्ट आइदर इन द केंद्रा और इन द ट्राइन, द पर्सन विल गेट मैरी इजिली, ठीक है। परंतु आप कहें जी मेरी तो हुई नहीं, तो भैया ऐसा है ना, गुप्त शत्रु दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि, दूसरा राहु केतु के एक्सेस पर तो नहीं आगे, किसी भी ग्रह का चाहे D1 चार्ट के अंदर आपका कोई ग्रह राहु केतु के एक्सेस पर आ गया, तो वो काफी हद तक उस भाव को और उस ग्रह को डैमेज कर देता है। भाव क्या है, आपकी इच्छा है, मैं इसे पढ़ाता हूं बेसिक कोर्स, भाव आपकी इच्छा है, और इच्छा को पूरा कौन करेगा, भाव में बैठा ग्रह या भाव का स्वामी, वो कहीं पे भी बैठा हो उससे लेना देना नहीं है। अब मैं यहां बता रहा हूं आपको, ये लगन का और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड, दे आर कंजक्ट एनी वेयर इन द चार्ट इटसेल्फ, द पर्सन विल गेट मैरी इजिली। या दूसरा कॉम्बिनेशन है, हियर इज द लॉर्ड वीनस कंजक्ट विद मून, द पर्सन विल गेट मैरी, क्योंकि मून जल्दी का कारक होता है, ये बात याद रखिएगा, नाड़ी में तो ये लंका लगा देता। आगे चलते हैं, स्पेशली इन दोनों का कंजक्शन यहां हो, मून एंड वीनस का सेवंथ हाउस में, क्योंकि जब ये सेवंथ हाउस में होंगे तो सेवंथ हाउस को एक्टिवेट कर देंगे। स्पेशली इफ मून एंड वीनस कम्स इन द सेवंथ हाउस ड्यूरिंग द वर्ष फला, द पर्सन विल गेट मैरी इजिली। आगे चलते हैं, कोई आदमी कह रहे हैं कि साहब मुझे पद की प्राप्ति होगी, मेरे बॉस का ट्रांसफर हो गया है, या मेरे को अच्छी प्रमोशन वगैरह मिलेगी, कैसे होगा। सिंपल सा बात है, सेवंथ हाउस में शुक्र हो, आठवें घर में शुक्र हो, तो पद की प्राप्ति है। आठवें घर को ना कभी भी खराब मत कहना, आठवें घर का अर्थ होता है सडन। कुछ लोग उम्मीद ही नहीं करते चीज आ जाती है, वो एट्थ हाउस है, तो शुक्र अष्टम भाव में है, सेवंथ हाउस में है, तो आपका इस वर्ष पद प्राप्ति का योग है, पद प्राप्ति, यू मे बी प्रमोटेड। आप कोई कहे सर मेरे को अच्छी नौकरी तो नहीं मिल रही, सर अच्छी नौकरी दिलवा दीजिए, तो कैसे देखेंगे। बुध जो है आपका ये रहा बैठा, इसके साथ शुक्र बैठ जाए, करा देगा जॉब, अच्छे से करा देगा। या मान लीजिए जुपिटर बैठ जाए,
तो वो अच्छे से करा देगा। क्या करा देगा? ज्यादा हाई सैलरी वाली नौकरी दिलवाने के ये कारक ग्रह बनते हैं। शुक्र तो वैसे भी नाड़ी में धन का कारक है और वैदिक में जुपिटर धन का कारक है। तो जब धन के कारक ग्रह इसके साथ मरकरी के साथ बैठेंगे तो आपको एक अच्छी नौकरी आराम से प्राप्त हो जाएगी, इजी वे के अंदर प्राप्त हो जाएगी। अब आगे चलते हैं और छोटा सा कोई एक पॉइंट मैं बताने का प्रयास करता हूं, सो डेट आप कैसे इसको समझेंगे। एक सेकेंड। अब आप देखिए यहां पर तो इनका जो है जुपिटर फिफ्थ हाउस में है, वर्ष फल में देखिए यही जुपिटर छठे में आ गया। ये देखिए शनि इनका छठे में था और ये वर्ष फल में फोर्थ हाउस में आ गया। क्लियर है? यहां पे भी रेट्रोग्रेड है, यहां पे भी रेट्रोग्रेड। वर्ष फल के अंदर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बातें क्या हैं वो छोटी छोटी सी मैं बताता हूं, आप चेक करना। आपका लग्ना लॉर्ड कहां चला गया? ये बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, मित्र राशि में बैठा देखिए, और मित्र दृष्टि से, गुप्त मित्र दृष्टि से लग्न को देख रहा है। लग्न का स्वामी कहां बैठा है? क्लियर है? पंचम भाव का स्वामी कहां बैठा है? पंचम भाव इज योर पूर्व पुण्य, इज सिटिंग इन द नाइन्थ भाव। वेरी गुड योगा। अब नाइन्थ लॉर्ड सिटिंग इन द टेंथ हाउस, फोर्थ हाउस, सॉरी फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्या होता है? ये देखिए यहां से ये सेवंथ हुआ और ये एट्थ हुआ, तो वो वर्षफल कुंडली में सैटर्न अपने से एट भी बैठा हुआ। तो काफी डीप तरीके से, डिफरेंट तरीके से मुझे 32 पॉइंट्स कवर अप करने हैं आपके लिए, ठीक है। अब आप, मैं एक चीज फिर से दिखा रहा हूं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर, आप देखिए और समझ लीजिए। ये जो है मुंथा मुंथेश, ये सारे पॉइंट्स हैं, प्रॉपर्टी वगैरह, माता पिता, पुत्र प्राप्ति, कन्या प्राप्ति, विवाह योग, स्त्री कष्ट, तरक्की जीवन में, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि टाइम पास करके निकल जाएंगे अपन, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए है कि मैं कई बार मेरे मुंह से बेहतरीन टेक्निक में शेयर करता हूँ क्लास के अंदर। और ये जो कोर्स है कल स्टार्ट होगा मंडे को, दिस कोर्स विल बी स्टार्ट ऑन मंडे, मंडे को स्टार्ट होना है इसमें, कल यानी 7 to 8 इसका टाइम रहेगा, डेली क्लास रहेगी, डेली क्लास रहेगी, फीस उसकी 2111 है। अगर आपको ये टेक्निक आ गई बहुत अच्छी बात है, आप अपना अगला साल देख लो, सॉफ्टवेयर आते हैं उससे अगला साल भी दिखा देता है भाई मेरा कौन सा साल बढ़िया जाएगा, आप ऐसे देख सकते हैं अच्छे से। और इसके अंदर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, लाइफ टाइम में यूट्यूब के फॉर्म के अंदर मिलेगी लाइफ टाइम के लिए। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि जितना बेहतरीन हो सके वो आपके लिए मैं कर सकूं। अब किसी की कोई क्वेरी है तो वो पूछे, मैंने ज्यादा नहीं किया। हाँ जी, को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कोई पूछना चाह रहे थे, हैंड रेज किया था। हाँ, कैमरा ऑन करके पूछिए जी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? नमस्कार जी, हाँ जी बोलिए, अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए। सर मैं सुशांत भट्टाचार्य कोलकाता से बोल रहा हूँ। हाँ रे, बोलिए बोलिए सर। आपका एक क्लास पहले में देखा था अजय सर का ग्रुप में, डेस्टिनी इंडिया में, बहुत अच्छा लगा था। और एक दिन पहले आप ही का ऐसा ही ओवेनियर मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा तो मैं सेव नहीं करके रखा था, आप अभी सेव करके रख लिया। एक चीज आपको पूछना था कि अभी जो आप दिखा रहे थे मुंथा कह रहे थे, मुंथा किसको कहते हैं, मून को या दूसरा? नहीं नहीं, मून को नहीं कहते सर, मुंथा, मून अलग है, मुंथा अलग है। मुंथा योग कारक, एक इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कैलकुलेशन होती है, गणितीय है। आज मैथमेटिकली कैलकुलेशन किसी की है नहीं, ठीक है ना। तो मुंथा को अलग से निकाला जाता है, जैसे गुली का अलग से निकलती है, बात समझ रहे हैं सर? हाँ सर, ऐसे मुंथा निकाली जाती है। और ये जिनका मैंने चार्ट लगाया ये नक्षत्र पढ़ ही रहे हैं मेरे से, ठीक है सर? ठीक है। तो ये मुंथा निकाली जाती है, मुंथा इनके लगन में आई है। मुंथा लगन में आ जाए तो राजयोग दे जाती, बड़ा तगड़े वाला।
मैंने सबसे इजी टेक्निक सिखाई है, आप अभी अपना चाहे जो भी आपका कुंडली कुंडली सॉफ्टवेयर है, आप देखो क्या मैंने ये सिखाया। बड़ा अच्छा पॉइंट आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ सर, आप सीखो आराम से, कोई नहीं ज्वाइन करना ना करना वो व्यक्तिगत विषय है। हमेशा याद रखें कि ये जो लगन की राशि है ये गड्ढे में नहीं आए, वो साल खराब कर देगी। आपका योग कार्य ग्रह है वीनस, वो गड्ढे में नहीं जाएगी, बहुत अच्छी जगह पर गया हुआ है। मुन्था आपकी गड्ढे में नहीं आए, 6, 8, 12। अब इनकी मुन्था तो अच्छी जगह आई हुई है, बट अनफॉर्चुनेटली ये मुन्था देखिए राहु केतु के एक्सेस पर चली गई। ये रही उतना बढ़िया, जहां मुन्था ने इनको 100 रुपए देने थे एग्जाम्पल से, तो वहां 50 रुपए मिलेंगे अब तरक्की के जीवन में, प्रोस्पेरिटी के, क्योंकि अफ्लिक्शन में आ गया ना मुन्था। बात हाँ समझ रहे हैं सर? तो इस एकदम तरह से सर, हम लोग देखेंगे और क्लास में इसको अच्छे से समझेंगे, ऐसी कोई ये दिक्कत जो नहीं है। कल क्लास स्टार्ट होगी शाम 7 बजे। यहाँ प्रीतम सर, मुखर्जी हैं कैलकटा से, इन्होंने हाँ पहले किया है। इसेट सर मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आपने मॉडिफाई कर दिया है तो आप मेरे को ऐड कर लो, मैंने इसे फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दिया, पूछ लीजिए इनसे। हाँ হ্যাঁ স্যার, আর দাদা আপনি এক কাজ করুন, স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, আমি স্যারের কাছে অনেকগুলো ক্লাস করেছি, বুঝলেন তো? হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আমার আমার ইচ্ছা আছে, কিন্তু টাইমিংটার একটা প্রবলেম হচ্ছে, যেটা হচ্ছে যে আমার রাতে 9টার আগে তো আমি করে উঠতে পারছি না, সেটার ব্যাপারে আমি স্যারের সাথে কথা আচ্ছা বলতে আচ্ছা, চাইছি। আমি স্যারের কাছে অ্যাস্ট্রো বাস্তু করেছি, স্যারের কাছে প্রশ্ন কুণ্ডলী করেছি, ঠিক আছে, অষ্টবর্গ করেছি, স্যারের কাছে অনেক কিছু শিখেছি, স্যার একদম ভালো করে করিয়ে দেন। আপনি যদি আপনার কিসি মোবাইল কা ওর নাম্বারটা কোই দেন তাহলে কোয়েরি দিয়ে হো তো রাখবো। পুঝ সকতে হ্যায়, হ্যাঁ অনুপ হ্যাঁ জি দিয়ে আপকা দিচ্ছি কোই কোয়েরি আপনাকে। হ্যায় তো পুঝ সকতে হ্যায়, অনুপ হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, মেরা এক কোয়েশ্চেন্স হ্যায় কি আপকা কোর্স কভি রাত 9 বজে সে হো সকতা হ্যায় ক্যা? দেখিয়ে 9 বজে মেরা প্রশ্ন কুণ্ডলি আয়েগা, রাত কো 9 বজে সর, সাড়ে আচ্ছা আচ্ছা, 9 বজে নেই সরি 8 বজে মেরা প্রশ্ন কুণ্ডলি হ্যায়, 9:30 বজে মেরা নক্ষত্র চল রহা হ্যায়। কাফি বড়া কোর্স হ্যায়, সেকেন্ড উইক মে অভি ইয়ে কন্টিনিউটি করেগা ও। सर नक्षत्र का कोर्स का कितना फीस है और कितना दिन का है? 5333 है और वो करीब जो है ये चलता है, 10 क्लासेस होती हैं, ए से अच्छा लेके सर, जेड तक मैं कवर अप करा रहा हूँ। ऐसी विद्या जो गुप्त हो चुकी है वो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। আপনি স্যারের কাছে প্রশ্ন কুণ্ডলী আর বর্ষফলটা করে নিন, অনেক কিছু শিখে যাবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি हाँ जी उसमें हमारा रुचि गुप्ता टाइमिंग जी, का आप भी क्या अच्छा पूछना रहता चाह है। रही हैं बताइए। ये जो गोचर है, जो प्रोग्रेशन चार्ट है, दैट इज गोचर ना? अरे गोचर नहीं है वही, अगले साल का वर्ष कुंडली है, तो सर गोचर अलग चीज ये होता है। लगन कोई भी राशि आप का हो कैमरा सकता तो है ऑन करो सर? महाराज, कैमरा तो ऑन करो। अच्छा गोचर अलग सर, होता है, गोचर अलग होता है, अगले साल का ये कुंडली बन गया। गोचर तो हर तीसरे दिन बदलता रहेगा ना, अगले दिन तो सर ये लगन इसमें फिक्स होता है? लगन अपने आप हर साल अलग आता है। इसमें एक चीज कहते हैं, जो आपका जन्म लगन है, वर्ष लगन, अगले साल में मान लीजिए आप अगले साल की कुंडली देख रहे हैं और वही लगन आ जाए, उसको कहते हैं द्विजन्मा, पुनः जन्म हुआ एक किस्म से, तो वो ईयर ज्यादा लकी जाता है। मैं सारा यही क्लास में आएंगे तो मैं बहुत बेहतरीन टेक्निक शेयर करूंगा, जान के थोड़ा सा हल्का रखता हूँ, पर जो सर करते चार्जेस वगैरह हमें मालूम ही नहीं है किसी भी चीज के, जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है प्रोग्रेशन वाली चार्ट, प्रोग्रेशन चार्ट करना है जो। ऐसा है, सॉफ्टवेयर में प्रोग्रेशन लिखा हुआ है, प्रोग्रेशन तो नाड़ी में होता है, एक किस्म से प्रोग्रेशन ही है। प्रोग्रेशन का मतलब अगला साल बता रहा है आपका, और इस सॉफ्टवेयर के अंदर अगले 5 साल भी आप देख सकते हो। सर आप सपोज गोचर दो भी साल बाद कराते हैं? आपकी हेल्थ खराब आ रही है तो आपको पता लग जाएगा ना, यू टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ, डू द रेमेडी राइट नाउ टूडे इटसेल्फ। सपोज 2 साल बाद या 1 साल बाद कोई प्रॉब्लम आने वाली है आपको, प्रश्न अजय सॉरी वर्ष फल के अंदर आपको दिख गया, तो आप उसकी रेमेडी जी करिए ना प्रभु, सर उसके इसके फायदा हो चार्जेस गया क्या है, आपको, लाभ ही लाभ है, प्रोग्रेशन के, नुकसान कहीं नहीं है। प्रोग्रेशन के चार्जेस क्या है ये 2111 का है ओनली, इसमें थर्टी सर? थर्टी के करीब जो है पॉइंट्स कवर अप होंगे, 30 के करीब पॉइंट्स कवर अप होंगे। ठीक सर है, ज्वाइन करने का सिस्टम आप ग्रुप में लिख दीजिएगा, हाँ आई मैं वांट आप टू ही लिख ज्वाइन। दूंगा, क्लास के बाद मैं आपको लिख दूंगा, और YouTube रिकॉर्डिंग मिलेगी लाइफ टाइम असेस के लिए, सारी अच्छा सर, जिंदगी आपके पास रहेगी। कितनी क्लासेस होंगी? ठीक 5 क्लासेस होंगी डेली बेसिस पे, मंडे टू फ्राइडे। है सर।
अनूप जी कुछ कहना चाह रहे थे सर आप। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्रेशन कुंडली जो है वो हाथ से बनाएंगे कि नहीं, सॉफ्टवेयर में आप देखिए आपके लैपटॉप में है सॉफ्टवेयर या कुंडली वाला सॉफ्टवेयर है वहां आप बना लीजिएगा। अच्छा तो किसी के पास अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो नहीं फिर तो पॉसिबल नहीं है सर, पॉसिबल फिर तो कोई हेल्पलेस है अपन। आप तो कह रहे हो कि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ तो सॉफ्टवेयर तो सबसे पहले आना चाहिए आपके पास। ठीक है सर वो है, चलिए ठीक है, होगा ना सर। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। ओके सर नमस्कार, आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल ऑफ।